हाय दोस्तों, कल बरसात गिर गई तो आज बुआई का काम करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर आ गए खेत में दोस्तों, और ये ठेलियाँ उठाकर लाए हैं घर से जो ये पड़ी। तो दोस्तों ट्रैक्टर आया हुआ है जो कि मेरे छोटे चाचा के यहाँ चल रहा है। वो देखिए आपको पीछे में दिखाई दे रहा होगा। तो अभी उनके वहाँ बुआई चल रही है, उसके बाद हमारे खेत में बुआई करेंगे क्योंकि हमारा खेत ये है। तो बने रहिए दोस्तों हमारे वीडियो के साथ। दोस्तों मेरे चाचा का बुआई का खेत पूरा होने आ रहा है। अब मेरे यहाँ बोने वाला हूँ एक थैली और लेने। मेरी पत्नी गई है तो आधे रास्ते तक मैं लेने जा रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों हमारे खेत में बुआई करेंगे। बरसात भी आए ऐसा हो रहा है, तो जल्दी से हो जाए तो बढ़िया। बस दोस्तों हमारे इधर कुछ इस तरह के ये ट्रैक्टर देखिए दोस्तों, ये चल रहा है अभी हमारे चाचा के वहाँ। और हमारे इधर दोस्तों ये इस तरह के पहाड़ पे खेत होते हैं, यानी थोड़े हल्के वाले खेत। तो दोस्तों अभी मैं घाट उतर रहा हूँ और जा रहा हूँ और ठेली आधे रास्ते तक उठाने के लिए। बस दोस्तों बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ। तो ठेली वाली बाई भी आ चुकी है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों मैंने ठेली उठा ली और घाट चल जाऊं। देखिए दोस्तों अब हमारे यहाँ बुआई का काम शुरू हो गया है। ट्रैक्टर हमारे यहाँ चल रहा है ये देखिए, और पानी का मौसम भी आने जैसा है। तो बने रहिएगा दोस्तों हमारे वीडियो के साथ, आगे बताते हैं आपको। मेरे खेत में बुआई हो गई। अब पप्पू पहलवान के यहाँ बोने जा रहे हैं। वो देखिए पप्पू पहलवान किधर गया, ये पानी पी के आ रहा है ये पहलवान। ये आ रहा देखिए दोस्तों, ये पप्पू पहलवान का खेत है और यहाँ पे बुआई चालू कर दिया है, ट्रैक्टर चालू कर दिया है। पर देख लीजिए दोस्तों ये वो ट्रैक्टर चल रहा है, सोयाबीन की बुआई सब कर रहे हैं अभी ट्रैक्टर से। ये देखिए इसका बड़ा खेत है, उधर तक दिखाई दे रहा, वहाँ तक जा रहा है और इधर इधर बहुत आगे है। और वो पहलवान ये खड़ा है। दोस्तों फाइनली पप्पू पहलवान का खेत में बुआई करके आ गए। बरसात शुरू हो गई इसलिए एक खेत हो गया और एक बाकी रहा। और अब हम घर पे आ चुके हैं दोस्तों। दोस्तों प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।